कोई ये सब पर ध्यान नहीं, चुपचाप पढ़िए, अभी ईमानदारी से पढ़ाने दीजिए। आगे देखते, इसको आपने क्या माना है ए और इसको क्या माना है बी, तो क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको माना है ए और इसको माना है बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा टू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है कॉस, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बी का मान कितना है साइन एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर टू, अब कॉस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका मान कितना होगा वन, तो दो गुना वन दो ही होगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं और ये दो को अंदर ला लेते हैं, ये कंपटीशन है स्टेप हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दो को बाहर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना वाई स्क्वायर, तो यहाँ से वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो टू साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर वाई स्क्वायर के बराबर, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट टू साइन स्क्वायर रूट चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये डायरेक्ट तरीका हो चुका है, इससे और हम सॉल्व कर सकते थे लेकिन हमने क्या किया है इसको थोड़ा समझाने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ाया। चलिए आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसी के जैसा है 52 नंबर भी। हाँ क्या हो गया, हाँ लिखे जल्दी क्वेश्चन, चल रहा आइए। पूरा जतरा खराब चल रहा है, कभी मोबाइल अभी अच्छा बने तो मोबाइल वगैरह फूट जाता सब नहीं फिर कर जाता भी नहीं, पहले तुम बैठो तो अच्छे से अंजलि के टाइम पकड़ लिया है, 10 मिनट का फर्क है, बात बढ़िया, चलो बैठो बैठो तो जल्दी से। आज लड़के में कौन अब्सेंट है, ये अंजलि अब्सेंट है, निशा अब्सेंट आ रही है अंजलि, अच्छा अंजलि का तो टाइम नहीं हुआ, आप तो बोलिए नहीं, जिनका जिस टाइम पे आने का रहता है वो अंदाजा हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी के जैसा है, क्या समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा खाली चीन बदल गया है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले हम इसको डायरेक्ट बता दे या डिटेल में बता दे, चलिए अभी सब ठीक है, बाबुआ बिट्टू कुमार इसका टाइम भी बदल रहा है, हेयर स्टाइल भी बदल रहा है, पढ़ने का तरीका भी बदल रहा है, सब पढ़ने वाला लड़का बर्बाद। आगे बढ़े, पहले अच्छा मेहनत ही कर रहा था, एकदम प्यार वार हो गया है बिट्टू, प्यार में हेयर स्टाइल भी बदल जाता है, चाल भी बदल जाता है, सब बदल जाता है, लड़का भी बदल जाता है, देखने में भी स्मार्ट लगता है, देखो देखने में भी स्मार्ट लग रहा है, सही बात है, जो लड़का के प्यार हो गया उसके पर्सनालिटी में बदलाव जरूर आ जाता है, सही बात है, आपको पाप के सामने खड़ा होने के लिए आए हैं, अब आपका एक पाप बाहर पढ़ाने के लिए हमारा पीछा नहीं करेगा, हम लोग हाफ पहनते हैं, वो बात अलग है, हम ये पहले पढ़ने में सब लोग जानते हैं कि पहले बहुत मेहनती था लेकिन अब आप सर तो मेहनत कर रहे हैं बाल झाड़ने में,
ऐसा बात है सही में स्मार्ट दिख रहा है बिट्टू कुमार अभी स्मार्ट तो थोड़ा था चलिए आगे नेक्स्ट अब हमको 1.5 घंटे का क्लास रखना पड़ेगा आधा घंटा बात करने के लिए और 1 घंटा पढ़ाने के लिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आगे देखिए ए साइन थीटा पहले हम शॉर्ट में बता दिया डिटेल में कैसा पसंद करेंगे आप पहले शॉर्ट में हाँ स्पीड ही वाला ही बताएंगे बी कॉस थीटा देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर कितना है 8 है और उसके बाद ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर कितना है 5 ठीक है तो आपसे पूछा है क्या पूछ लिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा ठीक है देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है कभी भी ऐसा पूछे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पूछे ठीक है तो आपको क्या करना है इसका स्क्वायर कर लेना है और इसका स्क्वायर कर लेना है और दोनों को क्या करना है जोड़ देना है तो 5 4 9 6 2 8 तो आंसर कितना 89 ठीक है और डिटेल में बता रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है डिटेल में भी बताएंगे 8 का स्क्वायर 64 5 का स्क्वायर 25 64 25 बोले तो 89 और यही आपका क्या है आंसर ठीक है अयाला पढ़ा रहा है बउआ तू देख रहा है उसमें स्मार्ट लड़ देखे इस सब मजा लेगा बोल रहा है अकल शक्ति स्टेटस में लगाए हुए था इतना खतरनाक बोले शक्ति को आने के लिए शक्ति ही आई है ना गेल बोकारो बोकारो गया हुआ आगे बढ़े एक रील्स बनाए हुए थे इतना जबरदस्त बनाए हुए था मुरेट्टा बांध करके अब वो गाना बजाना सही नहीं है कौन है चलिए आगे बढ़े अरे इसको डिटेल में समझ ये सब मजा लेता है हमारा धनंजय कुमार बदला लेता है हमको लगता है कि एक क्यूट मैडम को भेज दिया जाए तो पूरा क्लास मैडम को देखने में निकल देगा 2 घंटे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ठीक है वाई वाला तरीका ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों में काम शामिल है तो यहाँ पर जरा खोलिए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर आप प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा ध्यान से देखिए हाँ इसको खोल दीजिए जरा खोल दीजिए तो इसको भी जरा खोल दिया जाए हाँ चलिए अभी तो पूरा चम चम कर रहा चलिए ध्यान दीजिए इधर चमक रहा है ध्यान दीजिए चमकने दीजिए आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन निकालिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप देखिए 2ab प्लस में और 2ab माइनस में कटेगा तो अब इसके बराबर देखिए 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इसकी वैल्यू 1 तो ए स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 तो बी स्क्वायर और 64 प्लस 25 बोले तो 89 ठीक है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो यह सिंपल देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा फिर डिटेल में करना पड़ेगा डिटेल में अभी बताएं ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा और ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन निकालिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ कौन कौन है ये दोनों तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बी और बी कॉमन है देखिएगा ध्यान से बी स्क्वायर बाहर निकालिए फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 2ab प्लस में और 2ab माइनस में कट जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25 तो 64 25 कितना होगा 89 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 तो a स्क्वायर गुना 1 a स्क्वायर इसका वैल्यू कितना 1 तो b स्क्वायर गुना 1 कितना b स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना 89
ठीक है, डिटेल में हम इसके पहले अभी आपको बताए थे, वाला क्लियर हो गया प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, लिख लिए, चलिए बस ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन टफ है, उसके बाद आपका पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है, एंगल वाला है, तो हम आपको देंगे तो 70-72 तक आराम से बन जाएगा, इसके बाद सीधा कहाँ तक, 78-79 तक या 80 तक डायरेक्ट आपका क्वेश्चन, 100 नहीं और आगे भी है, 3-4 क्वेश्चन के बाद पूरा इजी ही है। आगे बढ़े साने लिख लिए, हो गया आप लोग का। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ जा रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 53 देखिए, x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम अपना मन से एंगल का वैल्यू ऐसा रखेंगे, थीटा का वैल्यू ऐसा रखेंगे जहां पर सॉल्यूशन हमारा इनफिनाइट नहीं है, तो सेक और कॉस के रिलेशन में यदि हम यहाँ पर देखें, तो यदि हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दें, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दें, तो यहाँ पर देखिए जरा एक्स और सेक थीटा सेक 0, सेक थीटा बोले तो सेक 0, तो सेक 0 कितना होगा 1, तो एक्स का मान कितना हो गया a गुना 1 कितना होगा a हो जाए, ठीक है तक। उसके बाद देखिए वाई बी और टैन थीटा का मान कितना हो जाएगा, टैन थीटा का मान टैन 0 का मान कितना 0, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है तक। अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का मान हम रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे a, तो a रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और बटा में कितना a स्क्वायर, y का मान कितना 0 बटा b स्क्वायर, 0 ही हो जाएगा 0, तो कटेगा ये वाला, तो 1-0 बोले तो आंसर कितना 1 आंसर होना तो चाहिए, दिया है ऑप्शन। चलिए ठीक है, समझ में आया, थीटा का ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन इनफिनाइट में ना जाए और साथ में हमारा सॉल्यूशन इजी रखने के लिए, तो यहाँ पर 60 भी रख सकते थे, 30 भी रख सकते थे, ठीक है। आप ना लिख रहे हैं अर्जुन जी, टॉपिक टफ लग रहा है, स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आ रहा था, बीच में आप रिविजन रख लिया होंगे शायद, रविशंकर बाउंस जा रहा है, सब बाउंस जा रहा है, जो सर बाउंस जाता है तभी लिखने का मन करता है। चलिए आगे बढ़े, 54 नंबर, अच्छा यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, एक बार देखिएगा, आगे बढ़े, बीटा एरिया में 2500 में वाईफाई लगा रहा है आप लोग, लगा रहे हैं पंचायत में, लगा रहा है अभी, लगा रहे हैं वो स्टेशन पे जाकर वाईफाई लगा रहा है, बड़ी सुपर है, हां बाहरी टॉपिक नहीं जान दीजिए, 54 x/a cos θ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x/a cos θ प्लस y/b साइन थीटा बराबर 1 है, नेक्स्ट x/a sin θ y/b cos θ बराबर -1, आपको निकालना क्या है, x² / a² y² / b², ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब ऐसे सोल्व करेंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम सोल्व नहीं करेंगे, इसका तरीका है, तरीका क्या है वो देखें, तरीका है हम थीटा का वैल्यू ऐसा रखें
जिससे हमारा कैलकुलेशन इनफाइनाइट बना जाए, ठीक है, और वैल्यू इजी हो। तो जीरो रखेंगे, जीरो अच्छा वैल्यू है। तो चलिए थीटा का वैल्यू हम जीरो रख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन से देखिए, ये जीरो रखेंगे तो पूरा साइन जीरो जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे कर लेते हैं एक्स बाई ए कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन तो कितना एक हो जाएगा बराबर में, तो पूरा टर्म जीरो। तो यहाँ से हम फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर ए गुना वन बोले तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, फिर ये वाले इक्वेशन में रखेंगे तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, तो एक्स बाई ए गुना जीरो पूरा जीरो माइनस वाई, इससे देखे दिख रहा है इसमें देखे तो माइनस वाई बाई कॉस जीरो वन बराबर माइनस वन कट जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई बराबर y बराबर b, सबका वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, x बोले तो a, a का स्क्वायर x स्क्वायर है तो y का मान b स्क्वायर है तो b स्क्वायर, आंसर बोले तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप बोले तो दो, आंसर कितना दो, ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा चलिए उसको बंद कर दीजिए, तो अभी से जरा वहाँ पर ऊपर वाला खेत फिर से बता रहे, नीचे वाला भी जरा अच्छे से खेती बंद, चलिए इसको फिर से बता रहे। हम थीटा का वैल्यू क्या रख रहे हैं, जीरो, थीटा का वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तो एक्स बाई ए कॉस जीरो का मान कितना होता है वन, तो एक्स बाई ए गुना वन बराबर कितना वन, तो एक्स बाई ए बराबर वन तो x बराबर कितना हो जाएगा a गुना a तो कितना a, तो x बराबर कितना a। फिर हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो इसमें क्या रखेंगे थीटा की वैल्यू जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो तो पूरा जीरो, फिर कितना बचेगा माइनस वाई बाई और कॉस जीरो का मान कितना वन बराबर कितना माइनस वन, माइनस माइनस कर जाएगा वाई बाई बी बराबर वन, बी गुना वन कितना बी, तो वाई बराबर कितना बी, एक्स का मान कितना है ए, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना है बी, बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बोले तो बी स्क्वायर बटा कितना बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कटेगा तो एक, बी स्क्वायर कटेगा तो एक, तो एक का एक दो। अब बात है कि थीटा का वैल्यू हम जीरो ही क्यों रखेंगे, थीटा का वैल्यू जीरो इसलिए रखेंगे ताकि हमारा मतलब सॉल्यूशन ईजी हो और हमारा सॉल्यूशन इनफिनाइट में ना अनंत में नहीं है। फार्मूला रखने की क्या जरूरत है, कंपटीशन है, मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन इनफिनाइट में आए डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। डिटेल में बनाना है, ये दो मिनट के बजाय दस मिनट क्यों लगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन और निपटा लिया जाए आगे। चलिए लगता है कि टाइम भी होंगे, आगे बढ़े। और रात में होमवर्क सेंड किए थे, क्यों नहीं जुड़े थे आप लोग लाइव 6 बजे से, वही लाइव बैठ गए था काले सर, बड़े भाई जी लोग आते हैं क्या बोल रहे हैं, हम भी तो ये क्या है अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, देखिए ए कॉट थीटा, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा बराबर कितना है एक्स, आगे है आपका बी cot theta plus a cosec theta बराबर कितना y है, आपको निकालना क्या है x square minus y square। तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका cot theta है, तो cot 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू इनफिनाइट में आ जाएगा, तो यहाँ पर बड़ा दिक्कत होगा। तो हम दिक्कत से बचने के लिए क्या करेंगे साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा प्लस
बी कॉसेक थीटा है तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारा एक तो इक्वेशन है सीधा हो चुका है, एलसीएम कितना होगा साइन थीटा, और ऊपर कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी बराबर कितना एक। अब हम थीटा का वैल्यू यदि जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो, तो वन बाई जीरो हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। तो हम जीरो को नहीं रखेंगे, फिर नब्बे डिग्री रखें, नब्बे डिग्री रख रहे हैं तो देखिए साइन नब्बे डिग्री वन, इनफिनिट नहीं आ रहा है तो साइन नब्बे डिग्री रख रहे तो कितना वन, कॉस नब्बे डिग्री, कॉस नब्बे डिग्री जीरो, तो ए गुना जीरो जीरो कितना होगा बी, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बी बटा एक बोले तो बी, तो एक्स का मान कितना निकल आया बी, समझ में आ रहा है? नहीं सर। चलिए ये वाला समझ में आया, एलसीएम कितना, एलसीएम कितना साइन थीटा, ऊपर कितना हो गया ए कॉस थीटा प्लस बी। हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं नब्बे डिग्री, क्यों रखते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इनफिनाइट में नहीं जाए। साइन नब्बे का मान कितना एक, और कॉस नब्बे का मान कितना जीरो प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना होगा बी बटा वन किसके बराबर एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स का मान हमारा कितना निकल गया बी, एक्स का मान कितना निकल गया बी। अब यहाँ पर भी चलिए सिमिलरली, तो सिमिलरली देखेंगे तो यहाँ पर है, चलिए क्यों हंस रहा है तुम लोग, ए कॉस थीटा बराबर भाई, ठीक है। अब चलिए बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सब लिखने की इतना जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एलसीएम कितना साइन थीटा और बी कॉस थीटा प्लस ए, अब थीटा का वैल्यू हम कितना रख रहे हैं नब्बे, तो ये कितना हो जाएगा वन, ये कितना वन और ये पूरा जीरो और बराबर कितना y, तो हम फाइनली y बराबर कितना मिल गया a। पूछा क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x का मान कितना है b, तो b स्क्वायर, अब y का मान कितना है a, तो y का मान ये है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना a स्क्वायर, तो आंसर कितना b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आपका आंसर है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ पर एक प्लस था, यदि यहाँ पर प्लस रहा था तो डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, डिटेल में निकालना ही पड़ेगा। हाँ ये डिटेल में नहीं, वैल्यू को पुट करके इक्वेशन मतलब निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए निकाले तो जल्दी से बंद करें सर, चलिए चलिए वो निकाल देंगे, पचपने तक रहने दे, आप थोड़ा दो क्वेश्चन और है। चलिए एक क्वेश्चन हम 58 नंबर बताते हैं और 58 के बाद आपको बना करके लाना है 100 तक घर से, चलिए पहले हमको 58 तक बता, 58 बता लेने दीजिए, ठीक है सर। स्टार्ट किया जाए 58 नंबर, हाँ तुम टाइम पर आओ, अरे तब बाल ऐसे घुमा ना तो एक डस्टर में ऐसे घूम जाएगा, सब भरोसा मन लड़का हमको धोखा दे रहा है, वो सुमित होते तो सुमित का भी पढ़ाई डगमगा ही रहा, अब जिके जेस में पता नहीं क्या परफॉर्मेंस है, कल टॉपर में माला कुमारी अभी देखे हैं वहाँ पर 90 नंबर, आप लोग का कितना कितना नंबर आया, कितना नंबर आया है ये रविशंकर, कितना नंबर आया आपका, नहीं माइनस से किस नंबर से ना वो नहीं, हाँ वही वही वही, हाँ आपका कितना आया टेस्ट में, बहुत बढ़िया। आपका अर्जुन जी कितना आया था, 73 23 आया है,